आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार द्वारा बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी धराशायी साबित होने लगा है। ऐसे में वर्तमान हालातों पर प्रकाश डालने और राज्य सरकार पर हल्ला बोलने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअल माध्यम से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपनी बात रखी। तो वहीं राजनीति के इतर राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की भी बात कही। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच वर्तमान हालातों पर प्रकाश डालने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों से मुखातिब हुए। राठौड़ ने कहा कि 21 अप्रैल को राज्य सरकार ने महामारी एक्ट 2020 की धारा 4 के तहत 60 से 100 बेड की निजी अस्पतालों के सामान्य और ICU के 40-40% बेड अधिकृत किए थे। इसी तरह 100 बेड से ज्यादा के अस्पतालों में सामान्य और ICU के 50% बेड का अधिग्रहण किया था, मगर ना तो कोई नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए और ना ही दरें तय की गई, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों ने मनमानी कर रखी है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। राठौड़ ने निजी चिकित्सालयों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कम करने को गलत बताया। राठौड़ ने मांग की है कि SMS अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही इससे संबंधित दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। नकली इंजेक्शन भी बाजार में आ चुके हैं, इसलिए सरकार को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बड़ी बातें, केंद्र ने पैसा दिया मगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए। अगर नोडल एजेंसी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू थे तो पंजाब को 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दिए गए? DMFT फंड के शेष 2,000 करोड़ रुपए से 20,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें खरीदी जाएं। प्रदेश की 36,000 लैब में की जा रही RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे में मिलनी चाहिए। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का फ्री इलाज किया जाए। राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होकर कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है, मगर सरकार ने एहतियातन कदम शुरुआत में उठा लिए होते तो शायद ये हालात नहीं होते। अब सरकार को 31 मई तक प्लान बनाना चाहिए, जिसमें इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित सभी तरह के मेडिकल आवश्यकताओं का जिक्र होना चाहिए और इसी प्लान के आधार पर काम होना चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।